यहां पर एक और सवाल भी आता है, व्हाट अबाउट द थिंग्स दैट हैपन टू मी एज अ चाइल्ड। यानी आप देखिए कुछ लोगों की जिंदगी में बचपन में ही बहुत बड़े इश्यूज होते हैं, मसलन बहुत अब्यूसिव चाइल्डहुड रहा है, वालदेन की तरफ से या और लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा मुश्किलात उनकी जिंदगी में रही हैं, रेप्स हो जाते हैं, अब्यूजेस होते हैं, सेक्सुअल किस्म का अब्यूज, फिजिकल अब्यूज होता है, मोलिसिटेशन होती है। अब वो जो सब कुछ हुआ है तो इट्स नॉट योर फॉल्ट बट दिस हैपेंड, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है उस चीज के, लेकिन ये हुआ है। लेकिन अब अगर आप बैठे हुए उसी चीज का सोग मना रहे हैं और उस चीज में से अपने आप को निकालने की एफर्ट नहीं कर रहे हैं, तो अब नाउ एज एडल्ट यू हैव एबिलिटी टू चूज योर रिएक्शन। मैं कितनी ही ऐसे यंगस्टर्स को और बहुत टैलेंटेड लोगों को जानती हूं जिनका चाइल्डहुड बहुत डिफिकल्ट था और वो अपनी जवानी को भी उसी मिजरी में गुजारते हैं बिकॉज वो उस हर्ट को हील करने की तरफ नहीं जाते। मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल एक मिनट में कहें बस बस भूल जाए कोई बात नहीं है, नहीं, उसके तरीके हैं, उसको ठीक करने का वो जो तरीका है उसको सीखने की जरूरत है। सो हमें ये याद रखना होता है कि पास्ट इज ओवर एंड फ्यूचर हैज नॉट येट कम। तो अभी जो हमारे पास एक सिस्टम है उसको हमने देखना है। इट इज नॉट फेयर दैट इट हैपन टू यू बट इट ऑल्सो इज नॉट फेयर टू लिव विद इट होल लाइफ। सारी जिंदगी के लिए आप उस हर्ट को कैरी करेंगे, सारी जिंदगी के लिए आप वो परेशानी जो है उसको मनाते रहेंगे, उसकी बर्थडे आप सिर्फ एक साल के बाद नहीं मनाते, उसकी बर्थडे आप डेली मना रहे हैं, हर घंटे में मना रहे हैं, हर मिनट में उसके बारे में सोच रहे हैं और कह रहे हैं ओह उस वक्त ये हुआ था, पहले ये हुआ था, मेरी जिंदगी में कितनी ट्रेजेडीज जो है वो आई हुई हैं। इट्स प्रोलॉन्ग डे बाय डे ड्रेनिंग वे ऑफ अ लाइफ। इस कदर ये इंसान को नीचे पुल डाउन कर लेती है कि आप अगर कुछ करना भी चाहें तो नहीं कर पाते। तो अपने आप को बताना माय चॉइस क्या, व्हेन वी चूज द बिहेवियर वी चूज द कॉन्सिक्वेंसेस। जो भी आप काम करेंगे आपको अपने आप को बताना है इसके साथ जो एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस आता है वो मेरे सामने होगा। जैसे अगर एक इंसान पढ़ाई नहीं सही करता तो नेचुरल कॉन्सिक्वेंस क्या है, नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ये है कि उसका स्कोर उतना आ नहीं सकता। इसी तरह एक इंसान बुरे तरीके से खाता पीता है तो नेचुरल कॉन्सिक्वेंस क्या है वो भी हमें पता है। एक इंसान रेकलेसली जिंदगी गुजारता है, परवाह ही नहीं करता, गाली गलोच में गुजारता है, लड़कियां आजकल आप देखें कैसी कैसी पिक्चर्स अपनी सोशल मीडिया पर डाल देती हैं, तो उसका कॉन्सिक्वेंस सामने आ जाता है कई दफा कि वो तस्वीरें मिसयूज भी होती हैं और हर दूसरे दिन हम ऐसी स्टोरीज सुनते हैं। लड़कों से मोहब्बत के धोखे में आती हैं, उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस सामने आते हैं। हमें अक्सर ऐसी खबरें मिलती रहती हैं, पता चलता रहता है, एक्सपर्ट्स हमें बताते रहते हैं किसी लड़के से दोस्ती हुई हुई है, रेप्स भी इस तरह हो जाते हैं, ब्लैकमेलिंग कितनी होती है। तो आपने जो भी बिहेवियर चूज किया आपको उसके साथ एक कॉन्सिक्वेंस जो है वो जरूर मिलता है। सो इफ यू चूज रियली स्टूपिड बिहेवियर यू आर लाइकली टू एक्सपीरियंस सिवियर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। जैसे स्टूपिड बिहेवियर क्या है, बहुत से बच्चे जो है वो ड्रग्स करते हैं, अब वो कहते हैं कोई नहीं हम एक दफा करेंगे दो दफा करेंगे। एडिक्ट्स के साथ मेरी बातचीत होती है जो कहते हैं हमने जब किया था हमें एहसास ही नहीं था कि हम किस तरह से इस चीज में इतना हैविली इंडल्ज हो जाएंगे कि इसमें से हम निकल नहीं पाएंगे। लेकिन अब क्या हुआ है कि वो उन कॉन्सिक्वेंसेज के साथ सिर्फ वही नहीं रह रहे, उनकी फैमिलीज भी रह रही हैं। आवर मोस्ट एक्टिव एंड कंसिस्टेंट डायलॉग इज विद इन आवर सेल्व्स। ये बात आपने याद रखनी है। देखिए लोगों को जब हम मिलते हैं ना, आप थोड़ी देर मिलेंगे, कोई अच्छी तरह बात करेगा कोई बुरी तरह बात करेगा, आप उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे किसी लेवल पे। हमारी प्रॉब्लम वहां शुरू होती है जब हम अपने साथ लगातार इस कॉन्फ्लिक्ट में चलते चले जाते हैं कि ये करना है या नहीं करना। सेल्फ प्रोग्रामिंग मोनोलॉग इज यूजुअली नेगेटिव इन नेचर। जो लोग अपनी जिम्मेदारी को ओन नहीं करते, राइट चॉइसेस नहीं करते, तो वो क्या कर रहे होते हैं, उन्होंने अपने आप को इतना ट्रेन कर लिया होता है नेगेटिविटी के लिए, इतना ट्रेन कर लिया होता है दूसरों को ब्लेम करने के लिए, हालात और वाकयात और किस्मत के ऊपर अपनी चीजों को लाने के लिए, कि जो काम उनको करने चाहिए वो करने के लिए उनका दिमाग एक्सेप्टेंस की तरफ नहीं जाता। सो वी आर क्रिएटिंग ऑब्स्टिकल्स फॉर आवर ओन सेल्फ। कैसे कैसे जुमले हम बोलते हैं, अपने आप को बताते हैं, आई एम नॉट स्मार्ट इनफ, पीपल मस्ट बी मोर इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्म्ड, आई एम नॉट गुड एज रेस्ट ऑफ द पीपल, नो मैटर वट आई डू आई वॉन्ट मेक एनी डिफरेंस, दे ऑलरेडी गॉट देयर माइंड मेड अप। क्या फायदा उनसे बात करने का, उन्होंने वही जवाब दे देना। और ये हमारी थॉट होती है, कई दफा दूसरे लोग हमें कुछ भी नहीं कह रहे होते, आई एम टू यंग फॉर दिस, कोई अच्छा काम करना चाहें आप,
आई एम टू ओल्ड फॉर दिस। जब आप कुछ भी करना चाहें, कोई बात है, गलत डिसीजन लिया और आप कहते हैं मुझे सब कुछ पता है, मैंने जिंदगी में सब कुछ देख लिया है। अक्सर पेरेंट्स को ये चैलेंज आता है कि जब वो अपने बच्चों को कोई चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो बच्चे कहते हैं हमने तो सारी दुनिया देखी है, आप तो पता नहीं अभी पैदा होकर आए। तो यहां पर एक एक्टिविटी अब आपको जरूर करनी है, मेक अ लिस्ट ऑफ टॉप 10 नेगेटिव टेप्स इन योर लाइफ। जो नेगेटिव बातें आपके दिमाग में कॉन्टिन्यूस घूमती रहती हैं, इनको भी लिखें, लिख कर देखें कि ये जो बातें हैं मैं क्यों अपने आप को सुना रही हूं, इसके बारे में वाकई सोचने की, गौर व फिक्र करने की जरूरत है। रियल वर्ल्ड चॉइसेस जो हैं उनकी तरफ हमने जाना है। आप क्या क्या चूज करते हैं इनको क्लैरिटी से समझना है। वेयर टू बी, मुझे इस वक्त इस करंट टाइम में कहां होना है, क्लास में होना है या क्लास बंक करने में होना है। जब मैंने लोगों को, अपने घर वालों को बताया है कि मुझे ट्रस्ट करें मैं ये काम कर रही हूं, वहां होना है या किसी और जगह होना है। हाउ टू एक्ट, क्या करना है, मैंने फुलिश काम करना है, बेवकूफाना काम करना है, अकलमंदी का काम करना है। व्हाट टू से, व्हाट टू डू, हुम टू बी विद, व्हाट टू कंसंट्रेट ऑन, किस चीज पे फोकस करना है। नमाज पढ़ रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि अभी खाना कौन सा खाना है, खाना खा रहे हैं तो खाने को एंजॉय नहीं कर रहे, कुछ और सोच रहे हैं, अब मैंने ये क्या करना है, पढ़ाई कब करनी है, पढ़ाई कर रहे हैं तो सोच रहे हैं हाय कल जब अपनी फ्रेंड को मिलूंगी तो क्या क्या बातें करूंगी, कौन कौन से दुख शेयर करूंगी। यानी उस काम को भी उस वक्त एज अ चॉइस लेकर ये नहीं सोचते लेट मी इंजॉय दिस थिंग, इस चीज पे तो मैं फोकस करूं। देन व्हाट टू बिलीव, क्या चीज मेरी बिलीफ सिस्टम में होना चाहिए, किस चीज से मुझे फायदा होगा। व्हेन टू रिजिस्ट, कब मैंने कह देना कि नहीं सॉरी ये मैंने नहीं करना। हमें तो बस जो हमारे इमोशंस का जो घोड़ा है जिस तरफ दौड़ाता है हम वहां पर छलांग लगाते हैं, उस पर चढ़ते हैं और बागीपना दिखाते हैं, रिबेलियस हो जाते हैं। होम टू ट्रस्ट, किसके ऊपर भरोसा करना चाहिए मुझे और किस पे नहीं करना चाहिए। होम टू अवॉइड, किन बातों को मैंने अपने से दूर रखना है। सो यू चूज व्हाट टू से टू योर सेल्फ अबाउट योर ओन सेल्फ। ये हमारी चॉइस होती है, मैं अपने बारे में क्या महसूस करूं, ये हमारी चॉइस होती है मैं दूसरों के बारे में क्या महसूस करूं, ये हमारी चॉइस होती है कि मैं रिस्क फैक्टर्स को कैसे देखूं, नीड्स को कैसे देखूं, राइट्स को जो है मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं। और याद रखिएगा कि जब हम लॉ नंबर 2 आज कर रहे हैं तो इसका रास्ता लॉ नंबर 1 से निकलता है, जिसमें हमने नॉलेज के ऊपर ऑलरेडी बात कर ली है। यानी अपने बारे में आप अच्छा बुरा, ठीक कहां मैं हूं, कहां पे मुझे इसलाह की जरूरत है, वो किसी इल्मी बुनियाद पे करते हैं, सिर्फ अपनी तरफ से कहानियां नहीं बना लेते। इसी तरह दूसरों के बारे में, इसी तरह रिस्क हैं, नीड्स हैं, राइट्स हैं, सब चीजों के बारे में हमें सही तरह से पता होना चाहिए। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली चॉइस हमारी क्या है, हाउ टू प्रेजेंट एंड डिफाइन योर सेल्फ टू अदर पीपल। जब मैं किसी इंसान के सामने जाती हूं वो मेरे बारे में क्या सोचता है, घर से शुरू कर लें, मेरे मां बाप मेरे बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं, जिस तरह मैं उनके सामने अपने आप को प्रेजेंट कर रही हूं, मेरे बहन भाई, मेरे टीचर्स, मेरे कोलीग्स, मेरे सामने और मेरे पीछे वो क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। हम कहते हैं आई डोंट केयर, बट द पॉइंट इज आपके ना केयर करने से आपके मसले मसाइल तो कम नहीं हो रहे। अगर आप केयर करेंगे तो उसी से आप अपने एक्सपीरियंसेस को सही क्रिएट करेंगे। देयर इज इनवेरिएबली अ पैटर्न दैट डिफाइंस हु यू आर इन द आईज ऑफ द वर्ल्ड। यानी हमारे जमाने में जो बड़े लोग थे वो कहा करते थे इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। क्या मतलब था, आपका जो लाइफ स्टाइल होता है ना वो दूसरों को डिफाइन करके बता देता है व्हाट यू आर अप टू। हो सकता है थोड़ी देर के लिए हम कोई गलत काम करें या इवन सही काम करें। यानी अगर मैं किसी इंस्टीट्यूशन में जाती हूं और मैं अपनी इसी किस्म की कैरेक्टर बिल्डिंग क्लास लेती हूं, ये नहीं कि मैं जजमेंटल हूं, लेकिन चाल ढाल, सवाल पूछने का तरीका, बैठने का तरीका, क्लास में इंटरेक्ट करने का तरीका मुझे फौरन बता देता है कि ये स्टूडेंट जो है ये कितना डिसिप्लिन्ड है, जो फोकस्ड होके बैठा है। कुछ स्टूडेंट्स क्लास में बैठते हैं वो इतने फोकस्ड होते हैं, वो नोट्स बना रहे होते हैं, वो भी बोर हो जाते हैं कई जगहों पे, लेकिन वो गौर से सुन रहे होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये स्टूडेंट फोकस्ड है। ये नहीं मैंने कभी भी देखा कि एक स्टूडेंट जो हाई अचीवर है वो क्लास में कैजुअल होके बैठे, कभी नहीं मैंने देखा। और आपको पता है वो जो चीजें हमें महसूस हो रही होती हैं वो बाकी लोग भी एनवायरमेंट में उनके बारे में यही कह रहे होते हैं और वो उनके रिजल्ट्स भी वैसे ही आ रहे होते हैं। सो कुछ एवेल्युएशंस कैसी होंगी इसके लिए, जैसे कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे मैं एक बुक से पढ़ रही थी तो वहां पे कुछ कैरेक्टर्स उन्होंने दिए, मैंने तो थोड़े से उसमें से पिक किए हैं। जैसे वो कहते हैं अगर आप एक पॉर्क्यूपाइन की तरह होते हैं तो क्या है,
ऐसा इंसान दूसरे लोगों में फॉल्ट पिक कर रहा है, ऐसा इंसान जो है हर एक को एक आर्म्स लेंथ पे रखता है, तो क्या होगा? बाकी लोग कोल्ड हो जाएंगे, बाकी लोग उसके बारे में कंप्लेन करेंगे, और वो कंप्लेन करेगा कि लोग जी अजीब हैं, मेरे से सही तरह बात नहीं करते। कसूर किसका है? आपका अपना कसूर है, क्योंकि आपका एटीट्यूड ये था। इसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे पॉज अप उनको उन्होंने नाम दिया है, और ये कौन से होते हैं? जैसे एक वो किसी ने कुत्ता अगर रखा हो तो वो अपने मालिक के आगे कैसे अपने पांव उठाकर उनसे उसे डील करने की कोशिश करता है, टोटली डिफेंसलेस किस्म का ऐसा इंसान होता है, तो क्या होगा? लोग उसको खा जाएंगे, और वो कहेगा मैं इतना मजलूम सा हूं और लोग मुझे बुलडोज करके चले जाते हैं, मेरा क्या कसूर है? वो ये नहीं देख रहा कि मुझे कौन से बिहेवियर्स अपने जो है वो दुरुस्त करने हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को किंग और क्वीन ऑफ द फॉरेस्ट समझते हैं, और वो समझते हैं कि जी मेरे जैसा तो कोई और है ही नहीं इस दुनिया में, लेकिन पूरी दुनिया उनको अच्छा नहीं समझती, वहां पर रिजेंटमेंट्स और बहुत ज्यादा जो आपस में मिजाज है उसकी खराबियां आना शुरू हो जाती हैं। फिर कुछ लोग जो होते हैं पोजर होते हैं, बहुत ही सुपरफिशियल तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, बाकी लोग भी समझ जाते हैं कि ये ऐसे ही सबके सामने चमी चमी सा एटीट्यूड देते हैं, इनके अंदर कोई खास बात नहीं है, लोग उनको अवॉइड करते हैं। कुछ लोग पीपल ईटर होते हैं, वो हर एक को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वो हर एक को बताने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें कैसे रहना है, और इनके इर्द गिर्द लोग जो होते हैं फिर वो बहुत फ्रस्ट्रेशन और लोनलीनेस जो है वो महसूस करते हैं। और भी बहुत से बिहेवियर्स हैं, हम हर बिहेवियर अपना जो हमारा बिहेवियर होता है हम उसके साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरह से उसकी वजह से लोगों के ऊपर क्या क्या असर आ जा रहे हैं। सो बॉटम लाइन क्या है? इवन नॉट हैविंग टू चूज इज अ चॉइस। अगर हम में से कोई ये भी कहे मैंने फैसला नहीं करना, मैंने इसके बारे में नहीं सोचना, तो द फैक्ट इज ये कहने से भी मैंने एक चॉइस कर ली है। या मैं तो अभी भी ये समझती हूं कि जी इट इज पीपल्स जॉब, वो मुझे तंग कर रहे हैं और मेरा कसूर कुछ भी नहीं है, लोग जो हैं वो मुझे तंग कर रहे हैं, आई एम नॉट अकाउंटेबल फॉर ऑल दिस। तो आपने फिर भी एक चॉइस कर ही ली है, और लॉन्गर यू स्टे ट्रैप्ड इन एन इरेशनल पेनफुल लाइफस्टाइल हार्डर इट इज टू क्रिएट अ न्यू वन। तो हम ऐसा फैसला करने से, ऐसी बात सोचने से, इस तरह के तरीकों पर अमल करने से सिर्फ अपना नुकसान कर रहे होते हैं। फिर एक और एक्टिविटी यहां करते हैं, हाउ डिड आई बिहेव एंड चूज माई वे टू वेयर आई एम। जरूर सोचें इस वक्त मैं जहां पर भी हूं, मैं अगर अपने आप को देखूं, अगर मैंने यहां पे जो मैं आपको पढ़ा रही हूं, या मैं अपनी लाइफ पे वर्क कर रही हूं, या मैं अपने इर्द गिर्द लोगों को कोई बेनिफिट देने की कोशिश कर रही हूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला की तौफीक से हुआ कि मैंने कुछ राइट चॉइसेस कर ली। और अभी मैं अपनी बहुत सी फ्रेंड्स को देखती हूं जो मुझसे ज्यादा टैलेंटेड हैं, मुझसे ज्यादा केपेबल हैं कॉलेज के जमाने से, थ्रू आउट अगर मैं अपने करियर को देखूं, लेकिन उन्होंने वो चॉइसेस नहीं की, और मैं उनकी जिंदगी के प्रॉब्लम्स को जब देखती हूं तो वो मेरे से ज्यादा मल्टीप्लाइड है। और सिर्फ सही चॉइस करने की वजह से आपको समझ आनी शुरू हो जाती है कि उससे मुझे फायदा क्या हुआ। सो व्हाट डू आई वांट टू चेंज, ये भी सोचने की जरूरत है। व्हाट डिड आई डू टू मेक द रिजल्ट पॉसिबल। अपनी लाइफ में देखें, आपको अपनी जिंदगी में ऐसे पैटर्न्स नजर आएंगे कि आपने कोई ऐसी चॉइस की जिसकी वजह से नतीजा अच्छा आया, वो नतीजा आया जो किसी इल्म की बुनियाद पे था। तो इसका मतलब है मुझे वैसी चीजों को अपनी जिंदगी में ज्यादा लाना है। व्हाट चॉइसेस डिड आई मेक दैट डायरेक्टली लेड टू द रिजल्ट आई डिड नॉट वॉन्ट। ये भी साथ साथ सोचना है कि मैंने कौन सी ऐसी चीज चूज कर ली थी जिसकी वजह से मुझे वो रिजल्ट नहीं मिला जो मुझे चाहिए था। What did I fail to do that directly created the result I did not want? और इसी तरह से what actions do I now need to take in order to change? यानी जब आप analysis करते हैं ना, गुस्से में नहीं आना, guilt में नहीं जाना, अपने आप को बुरा भला नहीं कहना, लोगों को भी बुरा नहीं कहना जो आपके इर्द गिर्द हैं, सिर्फ बैठ कर एक realistic तरीके से इन बातों को सोचना है और ये देखना है मुझे इस वक्त किस change की जरूरत है। अपनी जो नेगेटिव टेप है जो हमारे दिमाग में हर वक्त चलती रहती है, जो मैंने आपको बताई भी, मैं नहीं कर सकती, मैं ही बुरी हूं, ये हुआ और मेरी किस्मत खराब है और कुछ भी मेरी जिंदगी में अच्छा नहीं होता और मेरा नहीं ख्याल कि मुझसे कुछ भी हो सकेगा, बस आई एम गोइंग टू बी जस्ट अ लूजर, नहीं, इस नेगेटिव टेप को तो कंप्लीटली इरेज कर देना है। और फिर अपने आप से पूछना है, ये सवालात मैं आपके सामने रखूंगी, एम आई रेडी? और कौन से सवाल है इसके लिए आपने ट्रू और फॉल्स में इसका जवाब देना है। पहला सवाल है आई एम अकाउंटेबल फॉर ऑल ऑफ माई लाइफ, ट्रू है या फॉल्स है?
अपने पास लिखें, इसको काउंट करें, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगी कि इन सवालों में अगर आपका ट्रू जवाब है या फॉल्स है तो उसका इंपैक्ट आपकी लाइफ पे क्या है। आई एम अकाउंटेबल फॉर ऑल ऑफ माई लाइफ, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है, मुझे इसके बारे में सही फैसले करने हैं, सही रिजल्ट चाहिए तो सही फैसले करने हैं। दूसरी बात, इट इज नॉट टू लेट टू चेंज द वे आई थिंक चूज एंड बिहेव, जो होना था वो हो गया, लेकिन इस वक्त अगर मुझे ये बात समझ आ जाए तो मैंने सही सोचना है, सही चीज को चूज करना है, सही तरीके से बिहेव करना है, ये मेरी चॉइस है एंड इट्स नेवर टू लेट। मैं चाहूं तो मैं ये काम इंशाल्लाह अच्छे तरीके से कर सकती हूं और मुझे अल्लाह ताला ने ये इख्तियार दिया, तो ट्रू है या फॉल्स। तीसरी बात, आई डिजर्व सो मच मोर देन द लाइफ आई हैव नाउ, ये सोचना जो कुछ इस वक्त मेरे पास है अल्लाह ने मुझे वो पोटेंशियल दिया है, वो कैपेबिलिटी दी है कि मैं इससे ज्यादा डिजर्व करती हूं, और अगर मैं रिस्पॉन्सिबल हो जाऊं, अकाउंटेबल हो जाऊं तो मुझे वो सब कुछ मिलेगा। चौथी बात, आई विल डिनाई माई सेल्फ एंड द लाइफ आई वॉन्ट नो लॉन्गर, क्या मैं ये ऐसा काम करती हूं, ट्रू है या फॉल्स है। अब आप स्कोर करें, अगर आपने सब चीजों को ट्रू में कहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह यू आर डूइंग गुड, आप सही काम कर रहे हैं, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जब हम लॉ नंबर 3 पढ़ेंगे तो फिर आप उससे भी बेनिफिट करेंगे। अगर आपके ज्यादा फॉल्स हैं, फॉल्स टू वन और मोर, तो फिर क्या है, आपको कुछ थोड़ा सा एफर्ट करनी है, कुछ जगहों पर रुक के सोचना है और उन चीजों को तब्दील करने की तरफ जाना है, और वो कैसे होगा इंशाल्लाह जैसे मैंने कहा हम आगे इस पर बात करेंगे। ओनली वेन यू एग्री टू ऑल 4 स्टेटमेंट्स अबव विल यू बी रेडी टू टेक ऑन दिस लाइफ चेंजिंग चैलेंज। आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में बहुत सी चीजें ठीक नहीं हो रही तो आपको क्या करना होगा, आपको वाकई ही इन सारी चीजों को अपनी जिंदगी में लाना होगा। दोबारा देख लेते हैं, अपनी अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाना होगा, अपने आप को बताना होगा कि मैं अपनी सोच, अपना जो मैं चॉइस करती हूं, जो मेरा बिहेवियर होता है, मुझे उसको सही करना है, और इट्स नेवर टू लेट। मैं कभी ये ना सोचूं कि क्या फायदा, अब नहीं, हर स्टेज पे मैं अपने आप को देखती हूं और मैं ये सोचती हूं मुझे हर दिन अपने आप को ज्यादा अकाउंटेबल बनाना है, ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाना है, क्योंकि जैसे ही मैं ये फैसला करती हूं तो मुझे एक रिजल्ट मिलता है, और वो जो रिजल्ट मिलता है ना, मुझे वो खुशी देता है, मुझे ये बताता है, मेरे अंदर से एक आवाज आती है, यू आर अ गुड पर्सन, मुझे अंदर से खुशी होती है, एक एहसास होता है आई डिड इट। और जब तक मैंने ये सारे काम नहीं किए थे तो मैं उसी लूजर की फीलिंग के साथ अपनी जिंदगी गुजारती रही, और मैं अपने आप को ये भी बताती हूं आई डिजर्व मोर, मैं जो मेहनत करती हूं, जो कोशिश करती हूं अपने साथ, उसमें मुझे वो खैर मिलनी चाहिए, और अल्लाह ताला उस खैर को लौटाते हैं। मैं अपने आप को क्यों डिनाई करूं, मैं उस जिंदगी को अच्छी तरह क्यों ना गुजारूं। अल्लाह ताला ने जब मुझे इस टाइम में इन प्रॉब्लम्स के साथ, इन लोगों के साथ पैदा किया है, तो मैं डिजर्व करती हूं। तो ये है हमारा वो लाइफ लॉ, जो हम जिसको हम सोचें, जिसके ऊपर हम गौर व फिक्र करें, तो फिर हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।